भारत नेपाल सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षा और तस्करी को लेकर कितनी संवेदनशील हैं, इसका एक्सक्लूसिव नज़ारा आज हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरों में दिख रहा गांव का नज़ारा महाराजगंज जनपद के ठूठीबारी कोतवाली थाना क्षेत्र के भारत नेपाल की सीमा पर बसा लक्ष्मीपुर गाँव का है, जहाँ युद्ध स्तर पर खुलेआम तस्करी का माल साइकिलों पर लाद कर नेपाल पहुँचाया जा रहा है। इस तस्करी के खेल में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लोग आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। जानकारी के मुताबिक साइकिलों पर लदी बोरियां चीनी की हैं, जो मालवाहक वाहनों से गांव तक लाई जाती हैं और वहां से साइकिल पर लादकर नेपाल पहुंचाई जाती हैं। इस पूरे तस्करी के खेल में सैकड़ों लोग शामिल हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अपनी आंखें मूंदी पड़ी हैं। कुछ महीने पहले तस्करी के खेल को लेकर जिले के तेज तर्रार माने जाने वाले पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने इसी लक्ष्मीपुर गांव में मौजूद पुलिस चौकी के सभी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी तस्करी का खेल बेधड़क जारी है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यह तस्करी का खेल चल रहा है। देखना होगा कि तस्करी के इस नज़ारे के बाद पुलिस के आला अधिकारी जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई करते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में बैकहोफ तस्करी जारी है और भारत नेपाल की खुली सीमा का लाभ उठाकर तस्कर कोतवाली क्षेत्र के चटिया लक्ष्मीपुर के रास्ते चीनी खाद पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी देश के नेपाल सरकार द्वारा 300 से अधिक भारतीय वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।